एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ कलर्स मॉल। अभी अंदर जाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि कलर्स मॉल में क्या क्या है। वैसे मैं अभी बैठी हूँ ट्रीज के नीचे, जस्ट कलर्स मॉल के सामने। यहाँ पे थोड़ी सी छांव है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, तो मेरे को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या शॉप्स है। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे आपको दिख रहा है वो एक फाउंटेन है, बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन है। यहाँ पे आप बैठ के सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। ये फाउंटेन शाम को चलता है और मैं आई हूँ दोपहर में, तो ये अभी चालू नहीं है। सो चलो चलते हैं अब जल्दी जल्दी से अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दूर से व्यू कलर्स मॉल के अंदर का कैसा दिख रहा है ये। तो अभी मैं खड़ी हूँ ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पे सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या शॉप्स है ग्राउंड फ्लोर में, उसके बाद मैं जाऊंगी फर्स्ट फ्लोर में। सो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है रिलायंस ट्रेंड की एक शॉप, और फ्रंट का मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो देख लीजिए फ्रंट में यहाँ पे मुफ्ती और स्टाइल प्ले है। यहाँ पे ट्रेन वगैरह है बच्चों के खेलने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे कार्स वगैरह है जो बच्चों का इंटरटेनमेंट करेगा। चल रहा है अभी ब्रांड फैक्ट्री में मेगा ऑफर, मैं आपको दिखाती हूँ कब से कब तक चलने वाला है और क्या क्या छूट है। सो ये चलने वाला है 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप आकर देख सकते हैं यहाँ पर। सो ग्राउंड फ्लोर में स्मार्ट सुपर स्टोर भी है। सो अभी मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे मस्त वाली जैकेट दिखाई दे रही है मेरे को, मैं रेट देखने की कोशिश करती हूँ यहीं से। अभी मैं पहुँच गई हूँ फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे है ब्रांड फैक्ट्री। ब्रांड फैक्ट्री में अभी ऑफर चल रहा है, मैंने नीचे आपको बताया था। सो जब से मेरे को पता चला यहाँ सेल चल रहा है, मेरे को अंदर जाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ 2 मिनट के लिए। सो जैसे ही मैंने इंटर किया, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। कुर्ते की तो भरमार है यहाँ पर, कम प्राइस में ढेर सारी वैरायटी है कुर्तों में। और यहाँ पे शर्ट वगैरह भी हैं, चेक वाले भी शर्ट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्वेटर्स हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी में। मैंने ये पिंक वाले का पूछा, ये 1600 पड़ेगा छूट के बाद। और यहाँ पे स्वेट शर्ट भी है अच्छी क्वालिटी में, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। मैंने वन पीस वाले सेक्शन में भी जाकर चेक किया, यहाँ पर है बहुत सारी वन पीस लेकिन मुझे उतनी खास नहीं लगी। शायद आपको छाँटना पड़ेगा अंदर से, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा अच्छा वाला कम प्राइस में। टॉप्स वगैरह हैं आप देख सकते हैं सामने जो टंगे हुए हैं उतने। सो सामने का भी व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट फ्लोर में भी है रिलायंस ट्रेंड, लेकिन नीचे वाले में गर्ल्स सेक्शन था, ऊपर वाले में बॉयज सेक्शन है। यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ कुछ लगे हुए हैं, रेड वाला मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है एकदम। सो अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पे बना हुआ है बैठने का कुछ इस तरह से, तो अब मैं जाऊंगी ऊपर। फर्स्ट फ्लोर में इतना ही था, अब मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या था। लेट्स गो। सो यहाँ पे बैग की एक दुकान है जहाँ पे सेल चल रहा है अभी। कलर शूज की शॉप आगे है, ग्लो ग्लोरी स्पा। नीचे में कुछ कुछ अजीब सा रखा हुआ है, मूर्ति वगैरह। मैं यहाँ जाकर पूछी थी, यहाँ पे वन पीस नहीं है, यहाँ पे आपको कुर्ता वगैरह मिल जाएंगे। सो चलो आगे चल के देखते हैं यहाँ पे मछली वगैरह बना है वहाँ पे क्या है। यहाँ पे मिरर मेज लिखा हुआ है, शायद मिरर से रिलेटेड कुछ है। अच्छा से अंदर घुस के देखती हूँ, कुछ प्राइस वगैरह पता चलेगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है 3D इल्यूजन वर्ल्ड।
जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन है। मैं थोड़ा अंदर गई थी, वहाँ से देख के आई हूँ। वहाँ पे लिखा था कि 100 रुपीज़ पर पर्सन है यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। सेकंड फ्लोर का लास्ट है ये सुरुचि रेस्टोरेंट। राजस्थानी थाली, पंजाबी थाली, गुजराती थाली, पनीर बटर मसाला यहाँ के स्पेशल है। प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये सुरुचि। यहाँ पे जोमेटो भी चलता है, जोमेटो से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो सेकंड फ्लोर में बस इतना ही था। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बंद है, यहाँ पे अभी बन रही है शॉप्स। और सो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है लुक, एक तरफ पूरा आने का है, एक तरफ पूरा जाने का स्टेयर्स है। सो अब मैं जा रही हूँ थर्ड फ्लोर में, आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या है। सो थर्ड फ्लोर में है मूवी थिएटर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ कौन कौन सी मूवी अभी लगी हुई है। सो अभी यहाँ पे लगी है सत्यमेव जयते 2 और नेक्स्ट चेंज में तड़प लगने वाली है, जो कि 3 दिसंबर को आएगी सिनेमा घरों में। सो थर्ड फ्लोर में यहाँ पे एक बुक की भी शॉप है, आप आ सकते हैं। आपको स्टोरी बुक्स वगैरह लेना हो तो यहाँ पे कलर्स मॉल में है एक शॉप। सो जब मैं कॉलेज में थी और हम लोग कलर्स मॉल जब भी आते थे तो ये बुक शॉप में ही फोटो खिंचवाते थे, परंतु बच्चे जैसे दिखने के लिए। सो यहाँ पे थर्ड फ्लोर में है संकल्प द टेस्ट ऑफ साउथ। वैसे मैंने कलर्स मॉल के बारे में नोटिस किया है कि यहाँ पे लोग खाने पीने के लिए आते रहते हैं, भीड़ आपको देखने को कम मिलेगी, लेकिन लोग आते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मूवी देखने के लिए। थर्ड फ्लोर में 2-3 रेस्टोरेंट वगैरह है, मूवी थिएटर है और बुक की शॉप है। तो फिर मैं चलती हूँ अब नेक्स्ट फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में, और देखती हूँ कि वहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे है बड़े बच्चों का गेम और यह है नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों का गेम, क्योंकि बच्चे यहाँ आएंगे और जिद करके यहाँ पर खेलेंगे ही खेलेंगे। सो मेरे को सामने में अभी गेम जोन दिख रहा है, मैं जा रही हूँ गेम जोन के अंदर और आपको भी दिखाती हूँ कि गेम जोन में क्या क्या है। ये वाला गेम मैंने खेला है बचपन में दूसरों को टक्कर मार मार के। सो टैडी वाला गेम मैं बहुत बार खेल चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक भी टैडी वगैरह नहीं जीता है, इसलिए मेरे को ये वाला गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये वाला गेम मुझे नहीं पता कौन कौन सा है, ये वाला मैंने तो पहले कभी नहीं खेला है। सो मैं जा रही हूँ अब गेम जोन से बाहर। मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया था, पर्सनली मुझे गेम्स वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन आपको दिखाना था इसलिए मैं सोची कि पूरा बना देती हूँ, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे 12D थिएटर, इसका प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन है और यह है स्कैरी हाउस भूत बंगला, जिससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इसका 60 रुपीज़ पर पर्सन है, मैंने पूछा। सो देख लीजिए मेरे पीछे है स्कैरी हाउस, जहाँ से आवाज़ आ रही है ही 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 ऐसे करके। मेरे को तो कोई सिंपल सा भो भी करता है तो मेरे को एकदम से ज़्यादा डर लग जाता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए मैं स्कैरी हाउस आज तक कभी नहीं गई हूँ और लगता है फ्यूचर में भी कभी नहीं जाऊँगी। बट पीछे से आवाज़ आ रही है डरावनी डरावनी, एकदम चुड़ैल चुड़ैल वाली, कोई अभी अभी अंदर गया है, आप सुन सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ है ऊपर में शेड। सो अभी मैं खड़ी फोर्थ फ्लोर में और मैंने पूरा देख लिया और सोच रही हूँ कि फिफ्थ फ्लोर में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सो चलो मैं आपको यहीं से ही जिम दिखा देती हूँ, फिफ्थ फ्लोर वाला वो जो दिख रहा है वो जिम है, उसके अलावा यहाँ पे सब चीज बंद है। सो मैं अब जाऊंगी नीचे और जाऊंगी घर, क्योंकि मैंने पूरा कलर्स मॉल घूम लिया है और मैंने भी देख लिया है और आपको भी दिखा दिया है। तो मैं अब जाऊंगी घर। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। मैं आ गई हूँ
अब नीचे पार्किंग में जा रही हूँ गाड़ी ढूंढने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा गाड़ी भूल जाती हूँ कि कहाँ रखती हूँ।